ज्वाली के मैरा पंचायत निवासी रणजीत को कुदरत ने दो बेटे तो दिए, मगर जैसे जैसे बेटे जवान होते गए, उन्हें एक ऐसी अजीब बीमारी ने घेर लिया कि उनका आसानी से कोई इलाज नहीं होता, और ऐसे में मरीज के सामने तिल तिल मरने के अलावा कोई चारा नजर नहीं आता। मेडिकल साइंस इस बीमारी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहती है, यानी लाचार पिता रणजीत के दोनों बेटे अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का शिकार हो चुके हैं। दिक्कत ये है कि रणजीत खुद दिहाड़ी मजदूरी लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, ऐसे में अपने बच्चों के इलाज के लिए उसके पास दर दर भटकने के और कोई चारा नहीं बचा था। रणजीत की माली हालत देख और सरकार की चौखट पर बार बार फरियाद करने के बाद आखिरकार जनता के पैरोकार होने का दावा करने वालों ने अपनी दरिया दिली दिखा ही दी है। ज्वाली के विधायक अर्जुन ठाकुर ने रणजीत को बेटे के इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपए की राहत राशि भेंट की है, ताकि कुछ हद तक रणजीत को रिलीफ मिल सके। हालांकि सब जानते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की इस बीमारी से बचाव बेहद ही मुश्किल है, साथ ही इसका इलाज भी लाखों रुपए खर्च करके भी संभव नहीं। बावजूद इसके यहां विधायक अर्जुन ठाकुर के इस प्रयास ने रणजीत और उसके परिवार को कुछ हद तक राहत प्रदान की है। इतना ही नहीं, विधायक अर्जुन ठाकुर के माने तो वो हो सके तो अपनी ऐच्छिक निधि से भी फंड जारी कर इस गरीब परिवार की मदद करेंगे, ताकि उनके जवान होते बेटों को बचाया जा सके। सबसे पहले तो मैं इस परिवार के साथ इनका जो दुख है उसको साझा करता हूँ। इनके दो बेटे हैं, इनको ऐसी बीमारी है जिसका कोई शायद ही कहीं इलाज हो। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने इनकी आर्थिक सहायता के लिए 1 लाख रुपया मंजूर किया, जिसको मैंने चेक के माध्यम से आज चेक इनके बच्चों के माता पिता के पास दिया है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत गरीब परिवार से निकले हैं, इसलिए हर गरीब की पीड़ा को समझते हैं। मुख्यमंत्री जी भी इस तरह के दृश्यों को देखकर भावुक हो जाते हैं, तो मैं अपनी तरफ से इनकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, समय आने पर मैं दोबारा फिर इनकी मदद माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कराऊँगा, अपने विधायक निधि से जो हमें मिलती है ऐसी निधि उससे भी करूँगा। मैं तो चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इन बच्चों को लंबी और स्वस्थ आयु दे, हमारी ऐसी ही कामना है।